पीएम मोदी और भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर गई मालदीव्स के 3 मंत्रियों पर भारी। मौजूदा सरकार ने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर भारतीय उच्चायोग सख्त हुआ। मालदीव सरकार के सामने जताया एतराज। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भारत में काशी जैसे प्राचीन नगरी भी है तो दूसरी तरफ एकदम साफ सुंदर समुद्र तट भी। मालदीव भारत के बीच सनातनी के बीच सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ बॉयकॉट मालदीव। भारत के लोगों में मालदीव के खिलाफ काफी गुस्सा है। पीएम मोदी के समर्थन में उतरा बॉलीवुड। सलमान अक्षय ने की लक्षद्वीप टूरिज्म की तारीफ। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी पीएम मोदी के समर्थन में किया पोस्ट। जॉन ने भी किया खुलकर समर्थन। लक्षद्वीप के समर्थन में उतरे भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। सुरेश रैना समेत तमाम दिग्गजों ने किया ट्वीट। सीट बंटवारे पर आज कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली में बैठक। दिल्ली पंजाब की सीट पर चर्चा होगी। इसमें गुजरात की कुछ सीट पर दावा ठोक सकती है आम आदमी पार्टी। बिहार में INTIA गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। 17-17 सीट पर चुनाव लड़ेगी JDU RJD। कांग्रेस को मिलेंगी सिर्फ 4 सीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम। आज से गुजरात के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाइब्रेंट गुजरात समिट में लेंगे हिस्सा। अरब सागर में इंडियन नेवी के ऑपरेशन की पीएम मोदी ने की तारीफ। कहा 2000 किलोमीटर दूर जाकर बचाई लोगों की जान। आदित्य L1 की कामयाबी पर इसरो को दी बधाई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने चाचा शरद पवार पर तंज कसा। बिना नाम लिए कहा कुछ लोग उम्र होने के बाद भी नहीं होते रिटायर। मायावती ने अखिलेश यादव निशाना साधा। कहा अपने गिरिबान में झांके और BSP के खिलाफ बयानबाजी बंद करें अखिलेश। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने बयान दिया है, बड़ा बयान दिया है। कहा SP ही BJP को रोक सकते। अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। चैतर वसावा से कर सकते मुलाकात। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा चुनाव आयोग। आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर जाएंगे अधिकारी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा उम्मीदवार स्वाति मालीवाल आज करेंगी नॉमिनेशन। कई बड़े नेता होंगे साथ। अमित शाह नेशनल पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की करेंगे अध्यक्षता। सहकारिता मंत्रालय आयोजन कर रहा है इस कार्यक्रम का। कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ होगा। आज ब्रिटेन जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। द्विपक्षीय साझेदारी बढ़ाने पर जोर होगा। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान की फिर नापाक हरकत। सीमा पर खेतों में मिला टूटा हुआ ड्रोन। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। बंगाल के गवर्नर ने DGP को दिए झांझा शेख को पकड़ने के निर्देश। ED टीम पर हमले का आरोपी। TMC नेता अधीर रंजन चौधरी ने ED को इडियट कहा। भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा में 14 दिन बाकी। अयोध्या के साथ साथ पूरा देश राममय हो गया है। अयोध्या में आज से श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आरंभ होगा। सरयू तट पर रामकथा पार्क में आज से रामकथा। 25 पौराणिक जगहों पर कराए जाएंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। अयोध्या के सूर्य कुंज पर भव्य लेजर और लाइट शो का आयोजन। श्री राम के चरित्र का किया गया वर्णन। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या लाया गया 5 किलो चांदी का दीपक। एक बार घी भरने से 72 घंटे तक जलेगी ज्योति। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अंतिम स्तर पर। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने लिया जायजा। गुजरात के वलसाड में रामायण और राम मंदिर की घटना पर आधारित 1 किलोमीटर लंबी वारली पेंटिंग बनाई गई है। 4000 छात्रों और 200 कारीगरों ने तैयार किया। भारत में छाया मध्य प्रदेश की बेटी स्वस्ति मेहुल का राम भजन। पीएम मोदी ने किया शेयर। तेलंगाना के साधु संत पहुंचे रामनगरी अयोध्या। राम नाम की चरण पादुका तेलंगाना के मंदिर में करेंगे स्थापित। मुंबई से अयोध्या पैदल जारी राम भक्त शबनम शेख पहुंची भोपाल। सुरक्षा का बताया खतरा। अयोध्या से रामेश्वरम तक पैदल यात्रा में निकली शिप्रा पाठक। गूगल वाटर वुमेन का सिवनी में जोरदार स्वागत। दरभंगा पहुंची लवकुश रथ यात्रा। राम भक्तों ने किया खूब स्वागत। दिल्ली के पुराने किले में होगा रामलीला का आयोजन। 8 देशों के विदेशी कलाकार लेंगे हिस्सा। 21 तारीख को निकाली जाएगी सवारी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड में भी उल्लास का माहौल। सीएम धामी बोले धार्मिक स्थलों पर चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। वाराणसी में राम भक्ति में लीन हुआ युवा। हाथों पर जय श्री राम के टैटूज दिखवाए। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जयपुर में तैयारियां तेज। मंदिरों को सजाने का काम शुरू। राजस्थान के दौसा जिले में प्राण प्रतिष्ठा से पहले निकाली गई बाइक रैली। रास्ते भर गूंजे जयकारे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या जाएंगे शायर अकबर। आचार्य राम भद्राचार्य ने दिया न्योता। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर दीपक जलाने के संदेश पर डिंपल यादव ने कसा तंज। बोली BJP के लोग घर घर ही पहुंचाए।
आलिया भट्ट रणबीर कपूर को मिला राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, समारोह में हो सकते हैं शामिल। यूपीएससीएफ एडीजी अमिताभ यश ने कहा है कि अयोध्या में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, रामनगरी पर सभी एजेंसियों की नजर है। बदरुद्दीन अजमल के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार, का सभी धर्मों के लोगों को श्रीराम का स्वागत करना चाहिए। बदरुद्दीन अजमल के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, बदरुद्दीन जब भी कुछ कहते हैं सिर्फ जहर ही उगलते हैं। हज के लिए भारत सऊदी अरब के बीच में द्विपक्षीय समझौते, 2024 में 1,75,000 यात्री कर सकेंगे तीर्थ यात्रा। उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय से निकाली जाएगी भारत जोड़ो न्याय मशाल यात्रा, 14 जनवरी से होगा इसका आगाज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज कानपुर को देंगे सौगात, 93.2 किलोमीटर लंबी कानपुर रिंग रोड परियोजना का शिलान्यास करेंगे। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज होने वाली है सुनवाई, जमानत के लिए लगाई हुई अर्जी। बिल किसानों केस में सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आएगा, आरोपियों के समय से पहले रिहाई की चुनौती दी गई थी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता सत्येन चौधरी की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बदमाश ने नजदीक से की फायरिंग, मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। कोलकाता में बीजेपी की रैली में हंगामा, बंगाल पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैरिकेड लगाकर रोका। दिल्ली में बरसात का अलर्ट, मौसम विभाग ने बादल छाए रहने की चेतावनी जारी की। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप बरकरार, लोग ले रहे आराम का सहारा। दिल्ली में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज, ठंड से बचने के लिए राहगीर ले रहे रैन बसोरों का सहारा। मध्य प्रदेश में सर्दी के सितम बरकरार, कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम, मौसम विभाग ने कई जिलों में बरसात का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु में भारी बरसात से जनजीवन पर असर, जगह जगह जलजमाव। तमिलनाडु के तेनकासी में बरसात से उफान पर झरने नदियां, पश्चिमी घाट पर कोर्टालम झरने में देखा गया पानी का तेज बहाव। एमपी के मुरैना में चरण वंदना करते नजर आए एसडीएम और तहसीलदार नरेंद्र सिंह तोमर ने छुए पांव। महाराष्ट्र के खालापुर में टोल नाके पर कार से उतरकर राज ठाकरे ने हटवाया जाम, ट्रैफिक जाम में फंसी एम्बुलेंस को दिलाया रास्ता। एमपी के पन्ना में विधायक ब्रजेंद्र प्रताप का जबरदस्त स्वागत हुआ, कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से बरसाए फूल। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बीजेपी नेता की गोली लगने से कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, तोड़फोड़ की गई दुकानों में। त्रिपुरा से खबर, जहां के अगरतला में पुलिस बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई, अवैध चीनी गोदाम पर छापेमारी। ग्वालियर में इलाज के दौरान महिला की मौत, अस्पताल में खूब हंगामा किया परिजनों ने, डॉक्टर पर लगाए लापरवाही के आरोप, जांच जारी है। यूपी के मुजफ्फरनगर से खबर, जहां पर रूम हीटर चलाने से हादसा, दम घुटने से मासूम की मौत, दंपति की हालत गंभीर, इलाज जारी। यूपी के अलीगढ़ में घने कोहरे के चलते भीषण हादसे में दो लोगों की मौत, कई जख्मियों की हालत गंभीर है। यूपी के मुरादाबाद में सेक्सटॉर्शन गिरोह का खुलासा, भारी मात्रा में सिम कार्ड्स मिले हैं। यूपी के लखनऊ में व्यापारी से लूटपाट मामले में पुलिस ने नाबालिग को समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया, 3 आरोपी फरार, तलाश जारी। यूपी के शाहजहांपुर में छात्र के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया, 6 युवकों ने 2 साल तक किया गैंगरेप, जांच जारी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिसकर्मी पर लगा युवक को पीटने का आरोप, ग्रामीणों ने विरोध जताया और किया हंगामा। यूपी के सहारनपुर में पुलिस एनकाउंटर में इनामी बदमाश गिरफ्तार, बदमाश पर 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। नोएडा में चोर गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने 4-5 चोरों को किया गिरफ्तार, 8 ट्रैक्टर, 3 अवैध तमंचे बरामद हुए। गाजियाबाद में मामूली विवाद में दो पक्षों में फायरिंग, गोलीबारी की घटना कैमरे में रिकॉर्ड, जांच जारी है। राजस्थान के कोटपुतली में अंतर्राज्यीय एटीएम लूट गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के उदयपुर में भारी मात्रा में गांजा बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में शख्स दुकानदार के साथ मारपीट की घटना कैमरे में रिकॉर्ड, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुजफ्फरनगर में 2 युवकों ने जमकर मारपीट की, वीडियो वायरल। मेरठ के छात्रों ने हाईवे पर की स्टंटबाजी, जमकर आतिशबाजी हुई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी के इंदौर में दिनदहाड़े सोने घर से लाखों की चोरी हुई, घटना कैमरे में रिकॉर्ड, चोरों की तलाश तेज। पूर्व भारतीय कैप्टन विराट कोहली की टीम में वापसी, संजू सैमसन को भी मिला मौका। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दिया गया आराम, राहुल अय्यर और जडेजा को नहीं मिला मौका। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या भी चोट के चलते टीम से बाहर हुए, 11 जनवरी को मोहाली में पहला मुकाबला। सीके नायडू ट्रॉफी के मुकाबले में पहली पारी में 180 रन पर सिमटी ओडिशा की टीम, सौराष्ट्र की तरफ से धर्मादित्य ने झटके 5 विकेट, नील पांड्या को मिले 3 विकेट। भारतीय महिला टीम ने 6 विकेट से गंवाया दूसरा टी20 मैच, 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने की है बराबरी।
पूर्व भारतीय कैप्टन सौरभ गांगुली ने विराट कोहली और रोहित शर्मा का किया समर्थन, तो कहा दोनों को खेलना चाहिए 2024 का T20 वर्ल्ड कप। Zee News.